Good morning, students. Today we are going to see our next topic, that is scattering of light. Okay, so what do we mean by scattering of light? Basically हम जानते हैं कि एयर में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, राइट? सिमिलरली कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है तो वो बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना है. तो जब भी लाइट रे किसी भी पार्टिकल पर इंसिडेंट होती है ना, हमने मान लिया कोई पार्टिकल है, जब भी लाइट रे इस पार्टिकल पर इंसिडेंट होगी तो ये पार्टिकल क्या करेगा, इस लाइट रे से कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना. अब जब इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है तो उसको आफ्टर सम टाइम उस एनर्जी को रिलीज भी करना पड़ेगा. तो जब इसने इस लाइट से कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया तो कुछ समय बाद ये जो एनर्जी है उसको रिलीज करेगा. और उसको रिलीज कैसे करेगा, ये इस लाइट रे को चारों तरफ स्कैटर कर देगा, लाइक दिस, राइट. इसका मतलब जब भी लाइट रे किसी पार्टिकल पर इंसिडेंट होती है तो पार्टिकल उससे एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसको चारों तरफ स्कैटर कर देता है, मतलब फैला देता है. और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, राइट. तो बेसिकली वी कैन डिफाइन स्कैटरिंग ऑफ लाइट एज व्हेनेवर द लाइट रे इंसिडेंट ऑन एनी पार्टिकल, देन द पार्टिकल एब्जॉर्ब सम पार्ट ऑफ एनर्जी ऑफ द लाइट एंड देन स्प्रेड द लाइट इन ऑल द डायरेक्शन, देन दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, राइट. नाउ देयर आर सेवरल फिनोमिना अराउंड अस that are based on the scattering of light only. Okay, one by one we will discuss all those phenomena. So the first one is Tyndall effect. Tyndall effect is basically a very common phenomena that you might have studied in chemistry also, है ना, अपने previous classes में chemistry में पढ़ा होगा, that whenever a light is made to pass through the colloidal solution, जब भी हम लाइट रे को कोलोइडल सॉल्यूशन से पास थ्रू करते हैं तो लाइट, जब भी लाइट किसी कोलोइडल सॉल्यूशन के कंटेनर पर इंसिडेंट होती है तो वो लाइट क्या करती है, कोलोइडल पार्टिकल्स के सब्सटेंस को विजिबल कर देती है, राइट. इसका मतलब जब भी कोलोइडल सॉल्यूशन से लाइट पास होती है तो जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर कर देते हैं. और जब लाइट को स्कैटर करते हैं तो वो सारे पार्टिकल्स हमको क्या होने लग जाते हैं, विजिबल हो जाते हैं. तो टिंडाल इफेक्ट इज बेसिकली बेस्ड ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट ओनली, राइट, दैट यू माइट हैव स्टडीड इन केमिस्ट्री. और अगर हम इसका एक और एग्जाम्पल समझें तो लेट अस कंसिडर अ डार्क रूम, एक ऐसा रूम जहां पर अंधेरा है और अगर हम देखें तो वहां पर ऊपर शेल्फ से जो ऊपर होल होता है रूम्स में, वहां से अगर लाइट रे आ रही है तो जब वो लाइट रे रूम के अंदर एंटर करती है तो हमको बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखते हैं वहां पे, राइट. और इसी को हम क्या बोलते हैं, टिंडाल इफेक्ट, कि जब लाइट रे किसी डार्क रूम में एंटर कर रही है तो उस रूम में प्रेजेंट छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट को क्या कर रहे हैं, स्कैटर कर रहे हैं, राइट. एंड दैट्स व्हाई all that particles have become visible to us as well as the light has become visible to us, and this is called as Tyndall effect. Okay, so I hope that Tyndall effect is clear to all of you, that is based on the scattering of light only. Okay, now the next phenomenon that is based on the scattering of light is, why does the sky appears blue? Jo sky hai wo humko blue color ka क्यों दिखता है, राइट. मतलब अगर हम यहाँ से स्काई को देखते हैं तो वो हमको ब्लू दिखता है, लेकिन जब भी हम बात करते हैं यूनिवर्स की, मान लीजिए अगर एस्ट्रोनॉट्स यूनिवर्स में गए तो वहाँ पर उनको पूरा जो स्पेस है वो कैसा दिखता है, ब्लैक कलर का. तो ऐसा क्यों कि जब हम यहाँ से स्काई को देख रहे हैं तो वो हमको ब्लू कलर का दिख रहा है, लेकिन अगर हम स्पेस में जाकर उसी स्काई को देखेंगे तो वो हमको ब्लैक कलर का दिखेगा, राइट. तो ऑब्वियसली उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है, एंड दैट रीजन इज बेसिकली स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ओके, वी नो दैट हमारे अर्थ के सराउंड एटमॉस्फेयर है ना, ये हमारी अर्थ है और अर्थ के सराउंडिंग में एक कवर ऑफ गैसेस है जिसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर.
और उस एटमॉस्फेयर में क्या है, सेवरल लेयर्स ऑफ गैसेस है, राइट। और जब इसमें सेवरल लेयर्स ऑफ गैसेस हैं, इसका मतलब यहां पर बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, राइट। इन लेयर्स में बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, और जब भी सन से जो आने वाली लाइट रेज हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में जैसे ही एंटर करती हैं, तो आपको पता है सनलाइट में कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स, राइट। दैट इज विबग्योर, जिसमें से वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है, सॉरी, वायलेट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और रेड की वेवलेंथ सबसे कम होती है, राइट। या सो वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है और रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है ना। और जैसे जैसे हम वायलेट से आगे बढ़ते जाते हैं, तो वेवलेंथ जो है वो बढ़ती जाती है, राइट। और जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है ना, स्कैटरिंग के बाद जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। इसका मतलब जितनी कम वेवलेंथ होगी उतनी ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी, स्कैटर्ड लाइट की। ओके, सो द इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ दैट यू विल स्टडी इन द हायर क्लासेस। अभी के लिए हमको क्या समझना है कि जैसे ही सन से लाइट रे हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आई, तो ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, है ना। और जो पार्टिकल्स का साइज है वो बहुत छोटा होता है। और यहां पर एक चीज बतानी और रह गई थी कि कोई भी पार्टिकल केवल उन्हीं रेस को स्कैटर कर पाएगा जो उसके साइज की, जिसकी वेवलेंथ उसके साइज के अकॉर्डिंग होगी, है ना। इसका मतलब अगर किसी लाइट की वेवलेंथ ज्यादा और किसी पार्टिकल का साइज कम, ठीक है, अगर किसी पार्टिकल का साइज कम है और उस पर ज्यादा वेवलेंथ वाली रेडिएशन स्ट्राइक कर रही है, तो वो उसको स्कैटर नहीं कर पाएगा। कोई भी पार्टिकल केवल उसी लाइट को स्कैटर कर पाएगा जिसकी वेवलेंथ उसके साइज के इक्वल या नियरली इक्वल है। ओके, तो हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे हैं, और जब वो पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं तो उनकी उनके साइज के अकॉर्डिंग जो ब्लू कलर है वो उस ब्लू कलर को सबसे ज्यादा स्कैटर कर पाते हैं, राइट। अच्छा, एक और चीज कि वायलेट कलर की वेवलेंथ तो ब्लू से भी कम होती है, राइट। तो इसका मतलब वायलेट कलर को सबसे ज्यादा स्कैटर होना चाहिए था, बट फिर ऐसा क्यों होता है कि हमको स्काई वायलेट कलर का नहीं दिखता है और ब्लू कलर का दिखता है ना। क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि चूंकि वायलेट जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी वो सबसे ज्यादा स्कैटर होगा, राइट। और यहाँ पे अगर हम देखें तो वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है, ब्लू से भी कम है, तो फिर हमको स्काई वायलेट कलर का दिखना चाहिए। व्हाई डज इट अपियर्स ब्लू टू अस? सो द आंसर इज दैट हालांकि वायलेट कलर सबसे ज्यादा स्कैटर होता है, बट हमारी आंखों की जो सेंसिटिविटी होती है, दैट सेंसिटिविटी इज मैक्सिमम फॉर ब्लू कलर। ओके, सो हमारी आंखों की सेंसिटिविटी इज मैक्सिमम फॉर ब्लू कलर, दैट्स वाई द स्काई अपियर्स ब्लू टू अस। ओके, क्यों? क्योंकि रेड की मतलब इन सारे कलर्स की वेवलेंथ बहुत ज्यादा, इसलिए वो स्कैटर नहीं हो पाते, और जब वो फैल नहीं पाते हैं तो हमको वो कलर ऑब्वियसली दिखाई नहीं देंगे। अब जो कलर सबसे ज्यादा फैल रहे हैं वो वायलेट, इंडिगो और ब्लू। अब उसमें से भी हमारी आंखों की सेंसिटिविटी ब्लू के लिए मैक्सिमम होती है, इसलिए हमको जो स्काई है वो वायलेट कलर का या किसी और कलर का नहीं दिखते हुए केवल ब्लू कलर का दिखता है, बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, राइट। और सबसे ज्यादा वायलेट कलर ही स्कैटर क्यों हुआ? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो छोटे हैं, और छोटे पार्टिकल कम वेवलेंथ वाली रेडिएशन को स्कैटर कर पाएंगे, इसलिए वो सबसे ज्यादा किसको स्कैटर करते हैं, वायलेट कलर को। ओके, सो दिस इज द रीजन व्हाई व्हाई द स्काई अपियर्स ब्लू टू अस। ओके, दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद एक और क्वेश्चन है इसी पर बेस्ड, कि सनराइज और सनसेट के समय जो सन है वो हमको रेड कलर का क्यों दिखता है, राइट। व्हाई डज द सन अपियर्स रेड टू अस ड्योरिंग सनराइज एंड सनसेट? सनराइज और सनसेट के समय जो सन है
वो हमको रेड कलर का क्यों दिखता है, दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। सो हमने मान लिया ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ का इक्वेटर है। इक्वेटर क्या होता है वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। जब हमारा सन एट द टाइम ऑफ सनराइज, हमारा सन जस्ट इस इक्वेटर को क्या करने वाला है, क्रॉस करने वाला है, राइट। मतलब हमारे इक्वेटर के बिल्कुल पास में है एट द टाइम ऑफ सनराइज जो सन है वो। और आपको ये भी पता है कि अर्थ के आसपास क्या है, एटमोसफेयर। अर्थ को इस एटमोसफेयर क्या कर रहा है, कवर करके रख रहा है, राइट। तो जब सन इक्वेटर के बिल्कुल पास होता है तो सन की मैक्सिमम लाइट रेस, सन की मैक्सिमम लाइट रेस को एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रेवल करना पड़ता है ना। जैसे जैसे सन ऊपर जाता जाएगा वैसे वैसे उसकी डिस्टेंस एटमॉस्फेयर से बढ़ती जाएगी। तो सन का केवल कुछ, उस सन रेस का केवल कुछ ही पार्ट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर पाएगा। लेकिन अभी क्या है, अभी हमारा सन इक्वेटर के पास है, इसका मतलब सन की मैक्सिमम सन रेस को एटमॉस्फेयर से पास होना है, राइट। तो जब सन की मैक्सिमम रेज एटमॉस्फेयर से पास होती हैं, तो आपको पता है कि सन की रेज में 7 कलर्स होते हैं, दैट इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो चूंकि सन की वो रेज जिनकी वेवलेंथ कम है ना, वो तो सारी क्या हो जाती हैं, स्कैटर हो जाती हैं। वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा। तो जो बाकी रेडिएशंस हैं वो सब क्या हो जाती हैं, स्कैटर हो जाती हैं बाय द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। और केवल वो रेज बच जाती हैं जिनकी वेवलेंथ ज्यादा है। तो इस कारण ये बाकी सारे कलर्स की जो रेडिएशंस हैं वो तो स्कैटर हो जाती हैं। और चूंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है इसलिए रेड कलर सबसे कम स्कैटर होता है। और इसी कारण से जो सन है वो हमको कैसा दिखता है, रेड कलर का, क्योंकि बाकी सारे कलर ऑलरेडी स्कैटर हो चुके होते हैं और द सन अपीयर्स टू बी रेड टू अस। दैट इज व्हाई एट द टाइम ऑफ सनराइज, जब वो इक्वेटर के सबसे पास में है, एज वेल एज एट द टाइम ऑफ सनसेट, जब अगेन वो इक्वेटर के सबसे पास में है, तो उसका मैक्सिमम पोर्शन ऑफ लाइट एटमॉस्फेयर से ट्रेवल करता है। जिस और एटमॉस्फेयर क्या करेगा, सारी लाइट रेस को स्कैटर कर देगा। और चूंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है इसलिए वो सबसे कम स्कैटर हो पाता है और अल्टीमेटली जो सन है वो हमको रेड कलर का दिखता है। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द फिनोमिनास दैट वी कैन सी दैट आर बेस्ड ऑन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, राइट। ओके, सो वी विल सॉल्व वन न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर। ओके, अ पर्सन नीड्स अ लेंस of minus 5.5 diopters for correcting his distant vision, ठीक है। मतलब एक person है उसको distant vision, मतलब far, जो दूर की चीज़ें होती हैं वो उसको clearly नहीं दिखती हैं, जिसके लिए वो person एक lens use करता है जिसका आपको power दे रखा है कितना, minus 5.5 diopter, right? For correcting his near vision, he needs a lens of power. और उसी पर्सन को अगर नियर विजन करेक्ट करने के लिए एक लेंस की रिक्वायरमेंट होती है जिसका पावर आपको दिया हुआ है 1.5 डायोप्टर। आपको निकालना है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस फॉर रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग। फर्स्ट वन इज डिस्टेंट विजन, मतलब इस वाले लेंस की हमको डिस्टेंट विजन इस वाले लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है और उसके बाद फिर इस वाले लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है। ओके, सो वी विल सॉल्व इट वन बाय वन। Students, we know that the formula for power of lens is equal to P is equal to 1 upon में F, right? ये formula हम तब use करते हैं जब हमको focal length meter में निकालनी होती है। तो यहाँ पे हम focal length meter में निकाल लेंगे, कोई issue नहीं है। Power आपको दे रखा है minus 5.5 is equal to 1 upon F और F is equal to हो जाएगा minus of 1 upon 5.5, right? ये डेसिमल हटाया तो ऊपर यहां हमको जीरो लगाना पड़ेगा। वी कैन राइट माइनस 2 बाय 11 या अगर हम इसको कैंसिल करें तो माइनस 0 पॉइंट, यहां आप जीरो लगा दोगे, 11 बचा यहां पे 9 98 अबाउट 0.18 मीटर। दिस विल बी द
फोकल लेंथ ऑफ द फर्स्ट लेंस दैट यू आर यूजिंग, राइट। अगर हम इसी को सेकेंड केस के लिए सॉल्व करें, सो वी आर हैविंग द फॉर्मूला P इज इक्वल टू 1/F, राइट। नाउ इस केस में आपको पावर कितना दिया है, 1.5 इज इक्वल टू 1/F और F इज इक्वल टू 1/1.5। और यहां से अगर आप इसको सॉल्व करो, सो F इज इक्वल टू 10/15, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 0 point लगाया, 0 बढ़ाया, 3 6 18, 0.67 मीटर, राइट। सो वी विल गेट द फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस इज माइनस ऑफ 0.18 एंड द फोकल लेंथ ऑफ सेकेंड लेंस इज 0.67 मीटर, राइट। सो आई होप द न्यूमेरिकल इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, नाउ वी विल सी वन मोर न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर, ओके, दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द डिफेक्ट ऑफ विजन। द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर। आपको क्या दे रखा है कि एक पर्सन है जिसको मायोपिया है और फार पॉइंट आपको दे रखा है, मतलब उसको जो इमेज बनती है वो कहाँ पे बनती है, 80 सेंटीमीटर पर, ओके, इन फ्रंट ऑफ आई। व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। हम कौन सा लेंस यूज करेंगे उसकी प्रॉब्लम को करेक्ट करने के लिए। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि जिस भी पर्सन को अगर मायोपिया होता है तो मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस, राइट। तो आपको ये तो पता चल गया कि कौन सा लेंस यूज करेंगे हम, उसका नेचर क्या होगा, दैट इज अ कॉनकेव लेंस। लेकिन कितने पावर का लेंस हम यूज करेंगे वो निकालना है। तो स्टूडेंट्स, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी इन फ्रंट ऑफ द आई। तो अगर हमारे पास V की और U की वैल्यू है तो हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं बाय लेंस फॉर्मूला, दैट 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U, राइट। 1/F वी हैव रिटन एज इट इज, 1/V की वैल्यू हो गई 80 माइनस 1/U की वैल्यू हो गई इंफिनिटी। 1/∞ इज, यू नो दैट इट इज 0, सो F इज इक्वल टू 1/F इज इक्वल टू 1/80, राइट। और यू कैन राइट F इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। सो दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस दैट यू आर यूजिंग, राइट। ऑल्सो वी हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड दैट ये जो V है वो हमको कैसा लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, राइट, बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्वेक्स लेंस, दैट्स व्हाई इट हैज टू बी टेकन नेगेटिव, ओके। सो जो फोकल लेंथ आई वो कितनी आई, -80 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें पावर की, तो पावर इज इक्वल टू हमारे पास होता है 1/F, कब, जब हमको फोकल लेंथ मीटर में दी हो, बट यहाँ पे हमको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी है, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 100/F, P इज इक्वल टू 100/F, राइट। सो हमने यहाँ पे लिख दिया 100 एज इट इज, फोकल लेंथ हमको दी है -80, तो वी हैव रिटन -80 एज इट इज, 0 से 0 कैंसल, 2 5s are 10, 2 4s are 8, सो व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हियर, वी विल गेट -5/4, और वी कैन राइट इट -1.4 × 4 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 × 4 × 0 = 8, 4 × 5 = 20, सो व्हाट डू वी गेट, -1.25 डायोप्टर, ओके। सो द पावर ऑफ लेंस इज -1.25 डायोप्टर, और यहां माइनस देखकर भी हमको समझ में आ रहा है कि जो नेचर ऑफ लेंस दैट वी आर यूजिंग टू करेक्ट दैट पर्टिकुलर डिफेक्ट विल बी द कॉनकेव लेंस, राइट, बिकॉज कॉनकेव लेंस का जो पावर होता है दैट इज टेकन टू बी नेगेटिव, एंड कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर होता है दैट इज ऑलवेज टेकन टू बी पॉजिटिव, राइट। सो आई होप ऑल द टॉपिक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑफ दिस चैप्टर आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स, द फर्दर चैप्टर वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।